विरोधियों से, तमाम राजद के नेताओं से कि उनके लिए राज्यसभा की सीट क्या है। जो परिवार कभी बिहार का मुख्यमंत्री बनाता था उसके लिए राज्यसभा का सीट क्या है। और तेजस्वी यादव, लालू यादव का परिवार ये बता दे कि अपने मुंह से कभी पूर्व नेत्री आई नहीं। साहब ने जैसे प्रतिनिधियों के साथ घूम के विधानसभा में, शर्म की बात तो ये है कि वो राजद और तेजस्वी यादव और लालू यादव के नाम पे चुनाव नहीं जीते हैं। वो शहाबुद्दीन साहब के परिवार नाम पे और शहाबुद्दीन साहब की परिवार नेत्री आयरन लेडी हिना साहब के कहने पे सिवान की जनता ने उन्हें अपना मतदान किया। और ये इतने गद्दार निकले कि जिस गद्दारी का जितना निंदनीय किए जाए उतना कम है, क्या बताऊं मैं आपको। चलिए, अब जन अधिकार पार्टी के जो सुप्रीमो है पप्पू यादव, कई बार वो आए हैं संतावना के समय, दुख के समय, और बहुत सारे कार्यक्रम में आते रहे हैं। आप उसी दल से हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा, मतलब जो है अप्रत्याशित निर्णय आ सकता है, वो लोग जो आपका पार्टी है जन अधिकार पार्टी उसके साथ वो जा सकती है, ऐसी संभावना बन रही है बिहार में? ये तो उनका डिसीजन के मानने का इंतजार है। यदि हमारे एतबार से देखा जाए, हकीकत है ये, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बिहार में जब 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 मरहूम वीर शहाबुद्दीन माँ टीवी चेस्ट एंड हार्ड केयर क्लिनिक, याद रखें, सेंटर पॉइंट नियर डॉक्टर सरोज सिंह, चकिया रोड, सिवान, बिहार। अस्थमा, दमा, छाती में दर्द, फेफड़े में पानी, मशीन द्वारा फेफड़े की जांच, शुगर की बीमारी, COPD, लंग कैंसर, ILD, आज ही पहुंचे ईमान टीवी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक डॉक्टर आजाद आलम। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज मीडिया। जैसे कि पूरे बिहार के सियासत में इस समय सरगर्मी बढ़ चुकी है, खास करके राज्य सभा का जो चुनाव था उसमें जो पार्टी के द्वारा उम्मीदवार बनाए गए और राज्यसभा के सांसद के पद पर जिन लोगों को उम्मीदवार बना करके भेजा गया है, इसमें देखा जा रहा है कि सिवान का सियासत जो है काफ़ी कम हो चुकी है। और साथ ही साथ खास करके जो पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो चाहने वाले हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके लिए इस समय काफ़ी आक्रोश में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस आस्था के साथ, समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पार्टी के नीतियों और सिद्धांतों पर चलने का काम किया, संगठन को मजबूत बनाने का काम किया, लेकिन इतनी ईमानदारी और वफादारी के बाद भी उन्हें जो मान सम्मान मिलना चाहिए था पार्टी के तरफ से नहीं मिल पाया। इसलिए आज सिवान के सियासत में हम देख रहे हैं काफ़ी उबाल है, काफ़ी आक्रोश है। हमारे साथ बहुत सारे लोग, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, क्या कहेंगे इस निर्णय को लेकर के? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही दुख की बात है कि जो इंसान मरहूम शहाबुद्दीन साहब, एक वक्त था, एक दौर था कि बिहार सरकार को बनाते थे और बदलते थे, उस परिवार की एक राज्यसभा की सीट जो पूरी बिहार मांग कर रही है, उस जनता की आवाज़ को तेजस्वी यादव, लालू का परिवार, राजद परिवार नेगलेक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं अपने पैर पे गुलाड़ी मार रहे थे तेजस्वी यादव और लालू के परिवार। वो इंसान के लिए जो शख्स दूसरे को सांसद, विधायक और मंत्री बनाने की कैपेसिटी रखते थे, आप बताइए। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ तमाम विरोधियों से, तमाम राजद के नेताओं से कि उनके लिए राज्यसभा की सीट क्या है। जो परिवार कभी बिहार का मुख्यमंत्री बनाता था उसके लिए राज्यसभा का सीट क्या है। और तेजस्वी यादव, लालू यादव का परिवार ये बता दे कि अपने मुंह से कभी पूर्व नेत्री आयरन लेडी हिना साहब ने कभी राज्यसभा की मांग की है क्या? ये तो बिहार की जनता की मांग है। बिल्कुल, देखिए, इस बार का जो हम देख रहे हैं निर्णय जो रहा है, सभी लोग यही कह रहे हैं कि नहीं, जो मतलब समर्पण रहा, जो पार्टी के प्रति वफादारी रही, उसका ख्याल रखते हुए, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं है,
उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो कहीं ना कहीं यह जो है चारों तरफ जोर शोर से आवाज उठाई जा रही थी कि हिना साहब को राज्यसभा का सांसद बनाया जाए, उन्हें राज्यसभा भेजा जाए। तो ऐसे में क्या लगता है कि अब उनका जो फैसला आने वाला है, आप लोग क्या कयास लगा रहे हैं? देखिए, वो हमारी वरिष्ठ नेत्री हैं, उनके साथ पूरे बिहार की जमात है, सारे तबके के लोग हैं, सारे जाति के लोग हैं। हम उनके सामने कहीं ना कहीं एक अभी अनुभव लिए राजनीति कर रहे हैं, तो सारी बिहार की जनता उनके डिसीजन का इंतजार कर रही है। सारी बिहार के सारे समूह के लोग, सारे तबके के लोग, सारे जात के लोग उनके डिसीजन का इंतजार कर रहा है। वो जो डिसीजन लेंगी वो बिहार की जनता उसको मान्य, बिहार की जनता उसको मान्य करेगी और उस डिसीजन पे बिहार की जनता निर्णय लेगी और वही अपना मतदान करेगी। वो जहाँ जाती है वही बिहार की जनता जाएगी। आज हिना साहब ने मीडिया कर्मियों से बातचीत किया, उन्होंने कहा कि जो हमारे शुभचिंतक हैं, चाहने वाले हैं या जो कार्यकर्ता हैं, उनसे हम विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद जो है रणनीति हम का मतलब खुलासा करेंगे। तो आपको लगता है कि अब जो है समय आ गया है, जो मतलब अपने पार्टी के लिए उन लोगों ने जो काम किया या उस पार्टी के साथ वो बने रहे, कई ऑफर भी आए अलग पार्टियों में लेकिन उन्होंने नकार दिया, तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो पार्टी के प्रति वफादारी ईमानदारी रहती है और कार्यकर्ताओं को जो तरजीह नहीं दी जाती है, तो आने वाले जो नए समय में हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इसमें जो है डिसीजन आ सकता है। क्या देखिए, मैंने अभी थोड़े देर पहले बताया आपके माध्यम से कि पूरे बिहार की जनता उनका इंतजार कर रही है, उनके डिसीजन का इंतजार कर रही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सबसे दुख की बात है, कहीं ना कहीं ये बहुत निंदनीय और शर्मसार है कि जिस परिवार ने सिवान में जिसकी जीतने की कैपेसिटी नहीं थी, छः विधानसभा के सदस्य को अपने बदौलत अपने बलबूते पे जिताने का कार्य किया, मरहूम साहबुद्दीन की पत्नी और ओसामा साहब ने छः प्रतिनिधियों के साथ घूम के विधानसभा में, शर्म की बात तो ये है कि वो राजद और तेजस्वी यादव और लालू यादव के नाम पे चुनाव नहीं जीते हैं। वो साहबुद्दीन साहब के परिवार के नाम पे और साहबुद्दीन साहब की परिवार नेत्री आयरन लेडी हिना साहब के कहने पे सिवान की जनता ने उन्हें अपना मतदान किया और ये इतने गद्दार निकले कि जिस गद्दारी का जितना निंदनीय किया जाए उतना कम है, क्या बताऊं मैं आपको। चलिए, अब जन अधिकार पार्टी के जो सुप्रीमो हैं पप्पू यादव, कई बार वो आए हैं संतावना के समय, दुख के समय और बहुत सारे कार्यक्रम में आते रहे हैं, आप उसी दल से हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा मतलब जो है अप्रत्याशित निर्णय आ सकता है, वो लोग जो आपका पार्टी है जन अधिकार पार्टी उसके साथ जा सकते हैं, ऐसी संभावना बन रही है बिहार में? ये तो उनका डिसीजन के मानने का इंतजार है, यदि हमारे एतबार से देखा जाए हकीकत है ये, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बिहार में जब मरहूम वीर साहबुद्दीन इस धरती पे रहे, उस वक्त उनकी सास इंतकाल की थी, तो उस वक्त बिहार का कोई नेता आया ना आया, बिहार के पप्पू यादव सिवान उनका आगमन हुआ था, हम उस वक्त साथ थे। और जब यूसुफ हत्याकांड हुआ था उस वक्त भी पप्पू यादव का आगमन प्रतापपुर गांव में हुआ था, तो वो 90 दशक से, और साहबुद्दीन साहब का जब इंतकाल हुआ था उस वक्त भी प्रतापपुर में रमजान के महीने में पप्पू यादव जी का आगमन हुआ था। तो जब साहबुद्दीन परिवार पे आ चाया है तो बिहार का इकलौता लीडर पप्पू यादव ही सबसे पहले आवाज़ उठाए हैं और रोज दिन आज भी उन्होंने आवाज़ ये उठाया है, रोज दिन पप्पू यादव आवाज़ उठाते हैं। और साहबुद्दीन के परिवार से 90 दशक से साहबुद्दीन से भाईचारा और दोस्ती का रिश्ता है। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर डिसीजन लेती है हिना साहब तो पप्पू यादव के साथ समझौता बनता है तो आ जाना चाहिए। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो दुख का साथी होता है वही साथी होता है, जो सुख का साथी होता है वो कभी अपना नहीं होता है, अब वो आपका कोई साथी नहीं होता है।
तो दुख में हर वक्त पप्पू यादव काम आए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उनका स्वागत करता हूँ अपने पार्टी में अगर वो आना चाहे तो। और उनके लिए सबसे भला और सबसे अच्छा सोच के विचार के बिहार में कोई लीडर है तो पप्पू यादव जो है, शाहबुद्दीन परिवार के लिए हमेशा आवाज़ उठा। बिल्कुल, तो देखिए ये पूर्व सांसद शाहबुद्दीन जिंदा थे तब भी सियासत उनके नाम पर होती थी, उनके इंतकाल के बाद इस दुनिया से गुजरने के बाद भी उनका नाम जो है चर्चा में है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो सिवान की सियासत है यह एक ऐसा मतलब जो है सीधा बना रही है कि आने वाले समय में पूरे बिहार प्रदेश के सियासत नहीं बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर के सियासत में एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी डिसीजन होगा। और हिना साहब का निर्णय क्या होता है इस पर जो भी उनके समर्थक हैं सुचिंतक हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, और कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि यह जो है सवाल सिर्फ सिवान का नहीं है बल्कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राज्यसभा में जो सांसदों का नामों का घोषणा हुआ उसके बाद से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है सिवान जो है इस समय चर्चा में बना हुआ है। और गुफरान अहमद जो कि ये पप्पू यादव के पार्टी से हैं और जन अधिकार पार्टी के लिए काम करते हैं, इन्होंने कहा कि पप्पू यादव लगातार सुख दुख में बने रहे हैं, जब जब आवश्यकता हुई है वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो अब आप वो लगता है कि जो एक नया समीकरण बनने वाला है ये तो लोकसभा प्रत्याशी मरहूम पूर्व सांसद सिवान के डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी का डिसीजन का इंतजार है। हमारी बात जो थी हमने आपके माध्यम से रख दिया, क्योंकि मैं किसी के साथ कहता हूँ कि जो आपका भला चाहे ये किसी जाति से हो या किसी दल से हो, जो आपके लिए लड़े जो आपका साथ दे वही आपका अपना है, ना ही कि कोई पार्टी ना ही कि कोई जात आपका अपना होता है। थैंक यू।